नमस्ते अब्बा जी। नमस्ते। देखो इधर को देखो जी। हाँ जी। ये बताओ। हाँ। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हाँ। उससे सटकर एक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, हवाई अड्डा बना है। हाँ। उसका नाम पता है आपको? महर्षि वाल्मीकि जी रखा गया है। और आप भी महर्षि वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हो। हाँ। तो आप बीजेपी की रणनीति से खुश हो? हाँ जी। उसका नाम तो वोट लेने के ना का अगे बाद में की वोट दे देंगे तुझे। तो 2024 में आप वोट तो दे दोगे? अरे हम ना देते भाई किसी को भी वोट, अपने घर रख। क्यों आप इस फैसले से खुश नहीं हो ना? समाज को जो है, समाज का नाम सम्मान किया, इतना खुश नहीं हो आप जी ना? तो फिर किसे वोट दोगे आप 2024 में? किसी को भी नहीं देते। क्यों? कौन सा नेता है आपको पसंदीदा? हमारा कोई नेता नहीं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितिन? अरे कोई भी नहीं, सब लुट्टू खाऊ है। तो अपनी जेब भरा, जेब भरने वाले। अच्छा, सर्दियों में मजा ले रहे हो सर्दी का? अखबार रे गुजर कर रहे बस। अच्छा जी, फिर भी इधर को देखो, इधर को देखो। तो मिट्टी तेल मिल जा रहा, वो भी बंद कर दिया। मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा अभी? वो भी नहीं मिल रहा। दुकान पे मिलता तो है केरोसिन ऑयल। केरोसिन तेल कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। आपको क्या रिक्वायरमेंट थी? बिजली तो दे रही सरकार 22 घंटे। बिजली में क्या सेक किया जा, फूक जा, मर जा उसमें। बिजली में? हाँ। हीटर चलाओ, बिजली से बिल दो। हाँ जी, दाने खाने तो गरीब के बस के है नहीं, बिल दिए जाओगे तो। दाने तो दे रही है सरकार, दे रही 5 किलो एक आदमी को दे रही। 5 किलो दानों में? अभी बताओ आप, छोटी सी बात। 5 किलो दाने भी खा लो, उसमें बिजली का बिल भी दे दो। ये बताओ, पहले सरकार थी जो दूसरी सरकारें थी, वे मोल देती थी 5 किलो, जासन जो देती थी 5 किलो, ये फ्री दे रहे। तो तब भी तो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो? भूख मरी नहीं थी। क्यों, ऐसा क्या था? पहले इतने सुख संपन्न परिवार थे। हाँ, इतने सुख संपन्न परिवार भी थे, महंगाई भी नहीं थी इतनी जितनी है। क्यों, अब क्या महंगाई आ गई सर, बताओ तो? महंगाई थोड़ी, क्यों मजदूरी भी तो 4 गुनी बढ़ गई। पहले मजदूरी 80 रुपए थी, 100 रुपए थी, अब मजदूरी 500 रुपए है। 80 रुपए मजदूरी थी, उन 80 रुपए में एक महीने का राशन आ जाता पूरे परिवार का। अच्छा, 500 रुपए का 8 दिन का भी। सरसों का तेल उस टाइम पे भी 120 रुपए किलो था। नहीं, और मजदूरी 80 थी। ना, 120 कहाँ था उस टाइम पे, और क्या था? नहीं, उस टाइम पे तो ऐसा था कोई 10-20-30 रुपए किलो तेल सरसों का। अच्छा, बाबा दम के जमाने की बात कर रहे हैं? और किसकी करे, आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, कभी हमारे बाबा दादा वाली बात ना करो। अभी मोदी सरकार से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 से जस्ट पहले। अरे जी, क्या इतना महंगा था जितना ही भोजन? हमने भी बाबा जी 2014 में, तो मेरे भी ध्यान है, 110 रुपए 115 रुपए किलो मैंने खुद तेल खरीदा है। हाँ, तो अरीब मजदूरी थी उस टाइम 100 रुपए अरीब, अब मजदूरी 400 रुपए में कितना तेल आवा था? 100 रुपए में 1.25 किलो आता था, और अब 400 रुपए में 2 किलो आ रहा। तो एक गई एक दिन की मजदूरी, पहले देखो आज लगी मजदूरी, कल को नहीं लगी। पहले एक दिन ही मजदूरी जाती थी, 1 किलो तेल आता था। दादा जी समझने की कोशिश करो, समीकरण को समझो। और अब एक दिन की मजदूरी में 2 किलो तेल आ रहा, तो महंगाई तब थी, अब है। अरे एक दिन लगी मजदूरी। हाँ जी, हाँ जी। अरे एक दिन की मजदूरी लगा, 8 किलो ठंडी रहा तो 8 किलो क्या खाओगा वो? ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी, रोजगार के मामला तो एक ऐसा है जिसमें बीजेपी पिछड़ रही है, मैं मानता हूँ। तो रोजगार चाह गरीब को, महंगाई की और बात की जाए तो रोजगार चाह गरीब। हाँ, रोजगार गरीब को भी नहीं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए। हाँ। और जो गरीब बुजुर्ग लोग है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसी को पेंशन वगैरह भी मिल जाए? और बड़ा गाँव है यहाँ, किसी को पेंशन नहीं, किसी की भी पेंशन नहीं है आपकी? किसी की भी नहीं। अच्छा जी, जो नौकर है कोई रिटायरमेंट हो गया या एक्सपायर हो गया, उसकी पेंशन है नौकरिया की। अच्छा, नौकरी पैसे वालों की है पेंशन सिर्फ? हाँ। जो गरीब बेसहारा है, वृद्धा वृद्धा है ना, उनका कुछ नहीं। ये बूढ़े वृद्ध है, इनके लिए कुछ नहीं? जो अपना आग बाड़ो जाओ और बैठे रहो, सब को जाओ। अच्छा, आग के लिए लकड़ी ऐसे सरकार देती है? हाँ, जिला प्रशासन कुछ नहीं देती, जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे लकड़ी वगैरह नहीं मिलती सर्दियों में? ये चोपले रहते हैं शहरों में, कस्बों में, वहाँ पे तो मिलती है। वहीं देते होंगे, शहरों में ही गांव में ना देते, गांव में। मैंने तो सुना है कि जब से मोदी योगी सरकार आई है यूपी में, तो गांवों में भी मिलती है ये चीज़ें लकड़ियाँ। नहीं, यहाँ नहीं मिलती।
कोई नहीं दे। आपने इंक्वायरी करी क्यों नहीं मिलती कभी? नहीं मिली यहाँ। तो ये लकड़ी है जो ये कहाँ से लाए आप, ये रखी यहाँ पे? ये रखी है तो हम चुपचाप पे जाए कहीं तो ठाट हो गए। ताजा लकड़ी है बाबा जी, मजाक मत करो। ताजा लकड़ी है, वे लकड़ी नहीं है। और ये तो हम जाए थे। तो चलो सारी बात छोड़ो, जो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, वाल्मीकि समाज के नाम पे नाम रखा गया है, और आप भी वाल्मीकि समाज से आते हो। पहले तो नाम धरा था किसी ने भी, ये भी नाम धर दिया कि भाई इनकी वोट ले लो भाग कर। तो ये वोट के लिए है क्या सब कुछ? वोट के लिए ये 2024 के बाद में बदला जाएगा या बदल जाएगा भगवान बदल? नहीं, कल 30 तारीख थी ना, कल तो इसका शिलान्यास हुआ है, कल तो उद्घाटन एक तरह से हुआ है, रिबन कटा है मोदी जी ने खुद जाके महर्षि वाल्मीकि जी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सर। तो 2024 में प्रधानमंत्री का रिबन कौन कटेगा जी? प्रधानमंत्री का रिबन तो जो कोई बनेगा वो कटेगा भाई। हाँ तो कौन बनेगा आपके लिहाज से, आपको कौन लग रहा जी जीतता हुआ? हमें भी कोई नहीं लग रहा। नहीं फिर भी अपना अनुमान तो होता है कि नहीं? भी कोई अनुमान नहीं है, कोई आईडिया नहीं है। तो मोदी जी के लिए कोई मैसेज है आपका? देखो इधर को, कोई मैसेज नहीं हो मोदी जी के लिए ना। बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आप बता रहे हैं बेरोजगारी का है, रोजगारी नहीं है कहीं भी कुछ। तो क्या कहोगे मोदी जी को? सल्यूट मारेंगे क्या कहते हो सर? अच्छा सल्यूट मारोगे? कौन सा अपने करवाऊंगे उस पर यहाँ भाई ने मारे डांगर भूखे खड़े ही ना। चलो ठीक है दादाजी। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी, धन्यवाद धन्यवाद।